अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आज एशियन साइड की एक नई वीडियो के लिए एक नए डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। ये जो डिस्ट्रिक्ट है एशियन साइड का, इसका नाम है संचाकतेपे। संचाकतेपे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है एशियन साइड का जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। जनरली ये टर्किश लोगों को पता होगा एशियन साइड पे ये डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट बेसिकली 2009 में डिस्ट्रिक्ट बना। इससे पहले ये संचाकतेपे डिस्ट्रिक्ट उमरानिये चेकमेकॉय का पार्ट हुआ करता था। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं संचाकतेपे के मरकज़ पे हूँ। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये संचाकतेपे की गवर्नर ऑफिस है जिसमें संचाकतेपे की टापू ऑफिस वगैरह है। मेरे आसपास में ये हाई स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको एशियन साइड के मेन डिस्ट्रिक्ट कदी कोई उश्कुदर हर पॉइंट से आपको बसेस वगैरह मिल जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दोस्तों संचाकतेपे की अगर एक ख़ास बात बताऊं, नोटिस करने लायक क्यों है संचाकतेपे। अभी तक जो उश्कुदार से जो मेट्रो लाइन आती है वो चेकमेकॉय तलक आती है, जिसकी वजह से संचाकतेपे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन उस मेट्रो लाइन जो उश्कुदार में चेकमेकॉय पे ख़त्म होती है, जो उमरानिये होते हुए आती है, उसकी बहुत छोटी सी एक एक्सटेंशन हो रही है जो तकरीबन 5-7 स्टेशन और आगे बनने हैं, जो संचाकतेपे मरकज़ तलक आने वाली है। इस मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन के बाद में, क्योंकि संचाकतेपे ऑफ लेट डेवलप हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ मोहल्ले में आपको दिखाऊंगा बहुत नीट और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, जहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है। इनफैक्ट एशियन साइड के सबसे अच्छे प्लान डेवलपमेंट्स इस साइड पे आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं संचाकतेपे गौर करने के लिए, इसके लिए है क्योंकि इतने अच्छे प्लान डेवलपमेंट्स आपको ये रेंज में एशियन साइड पे दूसरी कहीं जगह पे नहीं मिलेंगे। और एडवांटेज ये है कि आने वाले 6 महीने में संचाकतेपे की जो मेट्रो लाइन है वो भी इस 2023 में स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद संचाकतेपे से भी इस्तांबुल के सिटी सेंट्रल एरियाज़ में कम्यूट करना 40-45 मिनट्स का टाइम होगा। तो दूसरे यूरोपियन साइड के सबर्ब्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, फैमिलीज़ के लिए, खुद के रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए चलते हैं हम। तो चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको एशियन साइड और टर्की की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं अब संचाकतेपे मरकज़ के थोड़ा 1 मिनट आगे ही आया हूँ। यहाँ पे संचाकतेपे मरकज़ के आसपास में 3-4 मरकज़ के मोहल्ले हैं, जैसे पहला है इनोनू मोहल्ले, मेरवे मोहल्ले, अब्दुल रहमान गाजी। ये मरकज़ के आसपास के मोहल्ले हैं जो मेट्रो लाइन पास हो रही है, वो भी मरकज़ के आसपास से ही पास हो रही है। तो ये जो 2-3 मोहल्ले हैं मरकज़ के आसपास, वो डेफिनेटली ध्यान रखने के लिए है। दोस्तों मैं अब संचाकतेपे के अब्दुलरहमान गाजी मोहल्ले में हूँ। अब्दुलरहमान गाजी मोहल्ला जो है वो संचाकतेपे का सबसे अच्छी प्लानिंग के तहत बना हुआ मोहल्ला है। इस एरिया में आपको ज़्यादातर प्लान्ड कॉम्प्लेक्सेस और बड़े कंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, विला के कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, ये सिनपाश जो टर्की के सबसे रेप्यूटेड डेवलपर है, पूरे अब्दुलरहमान गाजी में पीछे की तरफ संचाकतेपे में आप देख सकते हैं इस किस्म की प्लान टाउनशिप्स बनते जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप को अगर मैं दिखाऊं, इस किस्म के पूरे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 4 फ्लोर्स 5 फ्लोर्स से 10 फ्लोर्स की अलग अलग टाउनशिप हो, ऐसे आपको कॉम्प्लेक्सेस इस एरिया में बहुत सारे मिल जाएंगे। और मैसिव लेवल पे संचाकतेपे में कंस्ट्रक्शन भी चालू है, मेट्रो लाइन वगैरह की आने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अब इस्तांबुल के एशियन साइड में कदी कोई उश्कुदर अताशहीर जैसी जगहों पे ऐसी एरियाज़ नहीं थे कि फिर से बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में, वहाँ पे आपको जनरली ओल्ड टाइप का कंस्ट्रक्शन या ओल्ड टाउन प्लानिंग मिल जाएगी। संचाकतेपे में आपको एशियन साइड की बहुत ही बेहतरीन किस्म की टाउन प्लानिंग देखने मिल जाएगी। दोस्तों इसी अब्दुलरहमान गाजी मोहल्ले में मैं ऑन बेस तैमूस फुटबॉल स्टेडियम में हूँ। टर्की में फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, आपको हर जगह जगह पे फुटबॉल की पिचेस और ऐसे स्टेडियम्स मिल जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है फुटबॉल खेलने के लिए, और प्रैक्टिस का टाइम है। और ये ऑन बेस तैमूस में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तुजला स्पोर की टीम है, ये
ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। तो ये है संचाक तेपे का ऑनवेज तेमू स्टेडियम। दोस्तों अब मैं अब्दुल रहमान गाजी मोहल्ले के सेंटर में हूँ और आप मेरे आसपास में देख सकते हैं ये बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो मेट्रो की बात मैंने अभी की जो चेक मेकॉय से आगे सुल्तान बेली तक जा रही है वो थ्रू आउट संचाक तेपे होते हुए जा रही है। उसके अलावा ये सिम्पाश का मेट्रो लाइफ प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग जब मैं संचाक तेपे जनरली अगर किसी को बोलूँगा तो फॉरेनर्स को अवेयरनेस नहीं होती कि संचाक तेपे, उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ है। लेकिन आप देखिए ये सिम्पाश के मेट्रो लाइफ प्रोजेक्ट में आपको 2+1 जो 4 मिलियन 5 मिलियन की रेंज में भी मिलेंगे टर्किश लीरा में, और ये मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ये जो लोकल टर्किश लोग होंगे। तो लोकल टर्किश लोगों को ये एरिया के पोटेंशियल्स पता होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स को इसके बाद इस एरियाज़ के बहुत सारे अच्छे एरियाज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। जैसे कि आप मेरे पीछे इस हाईवे पे देखिए, आप इस पैच में बर्गर किंग, एरजान बर्गर, जितने ब्रांड्स, जितने बड़े बड़े मॉल्स आपको इस्तानबुल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे। ये हाईवे से आप देख सकते करताल जा रहे हैं, अगर आप करताल और मालते पे आप यहाँ से 20-25 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। अताशाही फिनेंस सेंटर जो है वो आप यहाँ से 20-25 मिनट में पहुँच सकते हैं। इसके पीछे जो शिले ऑटो योल है वहाँ से आप उमरानी अगर ड्राइव करके जाएंगे, आप उचकुदार आना चाहते हैं या बॉस्फोरस के ब्रिजेस पे यूरोपियन साइड जाना चाहते हैं, आप 30-35 मिनट्स में इजीली पहुँच सकते हैं। अगर आप यही कंपेयर करें यूरोपियन साइड के सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट से तो आप जितना जल्दी यहाँ से आप सिटी सेंटर में पहुँच सकते हैं उतना जल्दी आप यूरोपियन साइड के सबब से नहीं पहुंच सकेंगे। इसकी वजह से और ये मेट्रो की कनेक्टिविटी होने की वजह से लोकल टर्किश लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों जैसे मैं आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके पास खड़ा हूँ, और ये जो आप लाइन देख सकते हैं जो उस्कुदार से चेकमेकॉय तक आती है अभी फ़िलहाल जो एक्टिव है, वहाँ से एक्सटेंशन होके चेकमेकॉय से संचाक तेपे होते हुए ये सुल्तान बेली तलक जा रही है। ये लाइन इस बेल्ट के लिए जिसको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी ये इलेक्शन से पहले 2023 में स्टार्ट हो जाए, ये लाइन इस डिस्ट्रिक्ट के लिए गेम चेंजर होने वाली है क्योंकि बहुत ही अच्छे से प्लान किया हुआ डिस्ट्रिक्ट है, कनेक्टिविटी की कमी थी जो पूरी हो जाएगी कुछ दिनों में। दोस्तों अब संचाक तेपे के यनीदौन मोहल्ले के मैं मरकज़ पे हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं आपको यहाँ से कदी कोई और उश्कुदर के लिए हर थोड़ी देर पे बसेस मिल जाएगी, और इस हाई स्ट्रीट पे आपको हर पॉसिबल चीज़ जो इस्तानबुल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं हर ब्रांड जैसे तुर्कसेल, तुर्क टेलीकॉम, बिम, शोक, 101, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम लोग हैं यनीदौन मोहल्ले में जो जिसके आसपास बहुत अच्छा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और अब हम लोग चलेंगे इसके बाद संचाक तेपे की दूसरे मोहल्ले पे। दोस्तों फ़िलहाल मैं संचाक तेपे के मेवलाना मोहल्ले में हूँ। ये संचाक तेपे की एक ऐसी पॉइंट है जिसके पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तेपे जामी है बहुत ही खूबसूरत, और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी सफा तेपे सोशल तहसीसात लरी है जहाँ पे अभी हम लोग जाने का इरादा है हमारा, और उससे भी अच्छी चीज़ आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ कि आप ये देख सकते हैं पीछे, ये मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। एक तरफ चेकमेकॉय की हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही है, एक तरफ जो अंकारा ऑटो योल है वो दिख रहा है, कुजे योलू जो है वो दिख रहा है, एक तरफ शिले ऑटो यूल है जो रास्ता उश्कुदर से शिले तलक जाता है वो है, एक तरफ उमरानी नज़र आएगा आपको यहाँ से, एक तरफ चेकमेकॉय के मोहल्ले और एक तरफ ऑटो योलू, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। दोस्तों मैंने ये जो वीडियोस शूट करना स्टार्ट किया जब मैंने कदी कोई शूट किया तब मेरे ख्याल से समर का एंड था क्योंकि मैं तकरीबन
हर हफ्ते एक वीडियो डाल रहा हूँ। समर का एंड था, अब आहिस्ते आहिस्ते हम लोग विंटर की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारे जैकेट भी दिन ब दिन हैवी होते जा रही है। दोस्तों फाइनली अभी मैं सफा तेपे में हूँ, जो संचाक तेपे की एक फेमस पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ में, ये बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे आप देख सकते हैं, डिनर के लिए, लंच के लिए जनरली आते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी क्राउड है, देखेंगे हमको टेबल मिलता है कि नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं मेरे नीचे ये संचाक तेपे के मोहल्ले है। तो दोनों दोस्तों फाइनली ये सफा तेपे की रेस्टोरेंट में काफ़ी क्राउड था, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर की वेटिंग थी। हाफ एन आवर के बाद में फाइनली हम लोगों को टेबल मिल गया। टेबल मिलने के बाद में हम लोगों ने ये एक चिकन सैलेड ऑर्डर किया है, ये हमारा चिकन सैलेड है। और जैसे आप देख सकते हैं ये मिक्स ग्रिल है, इसमें ये टर्किश कोफ्ते के पोर्शंस है, ये जिसको हम चाप बोलते हैं फिरजोला है, ये चिकन है चिकन बोनलेस, ये बोनलेस मटन है, फ्राइज छोटा राइस का पोर्शन, और ये ब्रेड अगर किसी को ब्रेड चाहिए तो। दोस्तों जज़ाकल्ला खैर, अस्सलामुअलैकुम।